आज सुबह दुखद खबर पूर्णागिरी धाम से सामने आई थी, जहां एक बस के ब्रेक फेल होने की वजह से 4 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं बस दुर्घटना की जानकारी मिलते ही टनकपुर सरस मेले में पहुंची कैबिनेट मंत्री और जिला प्रभारी मंत्री रेखा आर्या ने टनकपुर चिकित्सालय पहुंचकर हादसे में घायल श्रद्धालुओं का हालचाल जाना और दुर्घटना में मृत लोगों के परिजनों के साथ दुख संवेदनाएं व्यक्त करते हुए ईश्वर से परिवार को दुख सहने की शक्ति देने की प्रार्थना की। साथ ही दुर्घटना में घायल लोगों की जल्द स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने की कामना मां पूर्णागिरी से की और सरकार द्वारा हर संभव मदद देने का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार की ओर से मुख्यमंत्री के आदेश अनुसार मृत लोगों के परिवारजनों को 1,00,000 की धनराशि और घायलों को 50,000 की धनराशि दी जाएगी। वही प्रभारी मंत्री ने जिलाधिकारी से घटना की विस्तृत जानकारी लेने के साथ ही घायलों के समुचित इलाज के लिए भी निर्देशित किया। उन्होंने घायलों के समुचित इलाज के लिए जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी को निर्देश दिए और प्रशासन द्वारा हर संभव मदद देने को कहा। बता दें कि आज सुबह पूर्णागिरी धाम के ठुलीगढ़ स्थान पर एक बस की चपेट में आने से 4 श्रद्धालुओं की मौत और आधा दर्जन श्रद्धालु घायल हो गए थे। इस दौरान जिला प्रशासन द्वारा शवों और घायलों को उनके मूल स्थान तक पहुंचाने के लिए गाड़ी की व्यवस्था कर भेजा जा रहा है। साथ ही मरीजों का हाल जानने मौके पर पहुंची मंत्री रेखा आर्या ने भी घटना पर दुख प्रकट करते हुए खेद जताया।